हेलो एवरीवन ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों और आज हमारे साथ है नई वाली थर्ड जनरेशन 2020 i20 और ये अष्टा ऑप्शन टर्बो 7 स्पीड डीसीटी वेरिएंट है दोस्तों और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 11.33 लाख रुपीस से तो बात करें इसकी इंजन की तो यहाँ पर आपको वन लीटर यानी 958 सीसी का जीडीआई पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसकी हम बात करें मैक्सिमम पावर की तो यहाँ पर आपको वन वन एट पॉइंट थर्टी सिक्स बी एच पी रेट सिक्स आरपीएम मैक्सिमम पावर मिलेगी और मैक्सिमम टॉर्क आपको वन सेवेंटी सिक्सटी टू मीटर एट द रेट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर फोर थाउजेंड आरपीएम तक मिल जाएगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाड़ी की थर्टी सेवन की और ए आर आई माइलेज वो क्लेम होता है ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी एट किलोमीटर पर लीटर जहां पर सिटी माइलेज आपको ट्वेल्व पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर लीटर

तो इस वेरिएंट में आपको सनरूफ ऑफर किया जाएगा ऑटो तो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको मिलेंगे और इसका बोनेट देख सकते हैं आप कितना अच्छा है वायर्ड आपको बोनेट लुक मिलता है और यहाँ पर टर्बो की बैजिंग आपको मिलती है ग्रिल में आप देख सकते हैं और दोस्तों ये ब्लैक वाली ग्रिल बहुत ही सही दिखती है क्रोम की यहाँ पर आपको यूडाई की लोगो भी मिलेगी और देख सकते हैं आप जैसे मैंने आपको बोला वन सेवेंटी एम का अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है यहाँ पर और फ्रंट की बात करें तो दोस्तों टोटली गाड़ी अलग लगती है अगर आप पहले के आई से कंपेयर करो तो भाई ये गाड़ी आपको ज्यादा पसंद आएगी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर दिए है जो पहले वाले i20 में नहीं थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको DRLs वगैरह मिलेंगे डे टाइम रनिंग लाइट्स वगैरह मिलेंगी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है आपको यहाँ पर और आपको फॉग लाइट्स भी मिलेंगे दोस्तों और एक अच्छी लाइट मुझे लगी है बहुत ही सही है दोस्तों और यहाँ पर आपको अच्छी लगेगी फोगलाइट की डिजाइन वगैरह अगर हम बात करें तो आई ट्वेंटी में जैसी है वैसी ही दोस्तों नई वाली ट्वेंटी ट्वेंटी वैरना में भी उसी तरह से दी है थोड़ा सा चेंज है दोस्तों फिर भी आपको ये पसंद आएगी तो आपको फ्रंट प्रोफाइल अगर गाड़ी की किस तरह से लगती है आप बोल सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगल प्रोजेक्टर वाली मिल जाती है लाइट और देखिए मुझे लाइट वगैरह बहुत ही सही दिखी दोस्तों एक डिजाइन वगैरह देखे तो बहुत ही अच्छा दिखता है और इसमें आपको टोटल ये गाड़ी में बात करें तो आपको 19 वेरिएंट्स पेट्रोल में ऑफर किए जाएंगे भाई और पांच वेरिएंट्स आपको डीजल में मिलेंगे तो जो भाई लोग पेट्रोल में ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं भाई आपके पास 19 ऑप्शन है 19 में से आपको कौन सा चूज करना है ये आप कर सकते हैं और ये देखिए ओ आर वी एम की डिजाइन वगैरह देखिए भाई कितना अच्छा है तो छोटा और लंबा जैसा दिख रहा है और यहाँ पर आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं और ये क्रोम गार्निश अगर आप देख सकते हैं क्रोम की डोर हैंडल्स देखिए दोस्तों डिजाइन वगैरह बहुत ही जैसा लंबा जैसा दिख रहा है ये डोर हैंडल वगैरह और बहुत ही चमकता है देखिए कलर पर भी और सफेद वाली गाड़ी भी भाई ज्यादा अच्छी होगी तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लॉग लाएंगे दोस्तों उसमें हम इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और यहाँ पर जो शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इस गाड़ी के बारे में बहुत जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो सनरूफ देख सकते हैं दोस्तों तो सनरूफ भाई आप लोगों का फेवरेट है और मुझे भी बहुत ही पसंद है भाई ये सेगमेंट की गाड़ी में आपको फाइनली सनरूफ मिल रहा है पर इसके लिए आपको दोस्तों थर्टीन लैक्स पे करने होंगे क्योंकि बेस वेरियंट्स में तो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको फ्यूल लीड खोलने के लिए ऑप्शन है देखिए और ये आप डायरेक्टली प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं और यहां पर अगर आप टेल लाइट देखो तो आपको एस एलईडी में आपको LED में दी जाएगी और यहाँ पर आई ट्वेंटी के लोग आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी दिखती है और रियर में देख सकते हैं भाई ये क्रोम की स्ट्रीप वगैरह बहुत ही बढ़िया लगती है और ये ब्लैक पार्ट स्पेशली ज्यादा अट्रैक्ट करता है लुक ग्लास और बॉडी के बीच में जो ब्लैक कलर दिया है जैसा आपको टाटा की अल्ट्रोस में मिलता है उसी तरह का थोड़ा सा देने की कोशिश की है भाई तो ये एक स्पोर्टी लुक लाता है गाड़ी को और हिंडाई के यहाँ पर लोगो वगैरह है डिफा मिलेंगे आपको रियर वाइपर्स भी मिलेंगे कैमरा सेंसर वगैरह सब है गाड़ी में और देखिए तो बहुत ही अच्छी दिखती है तो रियर प्रोफाइल आपको गाड़ी की किस तरह से लगती है आप बोल सकते हैं दोस्तों देखिए आई ट्वेंटी की भी बैजिंग है यहाँ पर अष्टा जो वेरिएंट है गाड़ी का वो भी आपको क्रोम में राइट साइड में बैजिंग नीचे दिख जाएगी तो ओवरऑल देखिये तो गाड़ी पीछे से वगैरह टोटली अलग लगती है दोस्तों अगर अगर आप पहले वाले आई और इसको कंपेयर करना चाहे भाई तो टोटली गाड़ी आपको अलग लगेगी और यहाँ पर देखिए शार्फिन एंटीना वगैरह किस तरह से देखिए तो मुझे गाड़ी पीछे से वगैरह बहुत पसंद आई दोस्तों देखिए किस तरह से लगती है गाड़ी और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिलेंगे देखिए इस तरह से तो गाड़ी का आपको बूट भी खोल के दिखाएंगे हम गाड़ी में थ्री हंड्रेड एंड इलेवन लीटर्स की आपको स्पेस मिलता है यहाँ पर बूट स्पेस जो हम दिखाएंगे आपको तो देखिए पार्सल ट्रे वगैरह है भाई और स्पेस अगर आप कंपेयर करो तो थ्री हंड्रेड एंड इलेवन लीटर तो बहुत है पहले के आई ट्वेंटी से अगर आप कंपेयर करो तो और स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी इस तरह से मिल जाता है एलो में नहीं मिलता भाई कौन सी भी गाड़ी में तो इस तरह से तो बूट स्पेस भी सफिशेंट है भाई हैचबैक सेगमेंट में आपको इसी तरह का अगर चाहिए तो आपको ये सही रहेगी स्पेस भी आपको अच्छी मिल रही है और ये देखिए दोस्तों टेल लाइट देखिए एलईडी वाली बहुत ही अच्छी दिखती है और ब्रेक भी मार के हम दिखाएंगे आपको वो वाली भी लाइट किस तरह से ग्लो होती है वो भी हम देखेंगे तो देखिए ब्रेक मारने के बाद भाई यहाँ पर इस तरह से लाइट ग्लो होती है और यहां पर भी देखिए किस तरह से तो लाइट वगैरह बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर तो चलिए अभी इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का तो इंटीरियर आपको टोटली सिंगल टोन में डार्क कलर में मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे दोस्तों स्पीकर भी है गाड़ी में और टॉप वेरियंट में आपको बोस के स्पीकर मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी डीसी वेरिएंट में है तो क्लच नहीं यहाँ पर डेड पैडल है एक्सलेटर है और ब्रेक है तो ये स्पोर्टी पैडल से अगर आप देखो तो दोस्तों आपको ज्यादातर गाड़ियों में इस तरह से अगर नहीं मिलते तो स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन भी मिलेगा यहाँ पर एसी के वेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देखिएगा भाई बहुत ही अच्छा है और ये देख सकते हैं आप तो जैसा औरा में उसी तरह का थोड़ा सा देने की कोशिश की है यहाँ पर इस गाड़ी में भी और देख सकते हैं आप स्टेरिंग वगैरह तो राइट साइड में आपको सब लाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे और स्टेरिंग आप देख सकते ऑलमोस्ट दोस्तों क्रेटा का वगैरह है नई वाली उसी तरह का आपको मिलेगा यहाँ पर हॉर्न वगैरह है यहाँ पर आपको क्रूज के कंट्रोल्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको आपके एनफोर्टेनमेंट के

और गियर आप देख सकते हैं भाई ये डीसीटी वेरियंट है सेवन स्पीड डी सी यहाँ पर पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव तो ये ऑप्शन है आपके पास मैनुअल का भी ऑप्शन है और हैंडब्रेक वगैरह देखिए पूरा डार्क कलर में दो कप होल्डर्स मिलेंगे और ये अमरेस्ट आप देख सकते हैं ये आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं दोस्तों ये आपकी कंफर्ट के लिए है और भाई ये आप मेनुअल इस तरह से खोल सकते हैं पर संदरूफ तो अभी हम नहीं खोल सकते दोस्तों गाड़ी को चालू करना पड़ेगा और ये लाइट्स आप देख सकते हैं येल्लो है दोस्तों अगर सफेद वाली होती तो ज्यादा अच्छी दिखती है ऐसा मैं कह रहा हूँ और यहा पर आपको सन ग्लास होल्डर है ये सन राइजर्स है यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा और ये हैंडल देख सकते हैं आप और ये दोस्तों लेवल है देखिए ये मुझे पसंद आया स्पेशली और ये दोनों सीट बेल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट आगे वाले जो दो है उनकी और ये भी डोर आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेस बहुत ही बढ़िया है भाई और ये डिजाइन आप देखिएगा ये ए सी की तो साइज थोड़ी सी छोटी है जैसे नई वाली क्रेटा में है उसी तरह से साइज छोटी है पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों गाड़ी तो इजिली कुल हो जाएगी और क्रेटा में है वो एस इवेंट जो है वो एंफरटेनमेंट सिस्टम के ऊपर है यहां पर आपको नीचे दिए गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको किस तरह से सीट्स वगैरह मिलती है तो सीट्स की क्वालिटी वगैरह बात करें तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों डुअल स्टिच आजकल कॉमन है ज्यादातर गाड़ियों में जो सीट कवर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं कंपनी से उसमें ड्यूअल स्विच होती है जो बहुत ही अच्छी दिखते हैं ड्यूल स्टिच तो यहाँ पर रियर की बात करें तो यहाँ पर रियर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी आपको बोस के स्पीकर मिलेंगे देखिए यहाँ पर बेजिंग है बोस की टॉप तो वेरियंट में ही आपको मिलेंगे जैसे मैंने आपको बोला बेस वेरियंट्स में आपको बोस के स्पीकर नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा और इंटेरियर पूरा दोस्तों जैसे डार्क कलर में है आगे वाला और डोर वगैरह वैसे ही यहाँ पर भी है स्पेस की बात करें तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर अमरेस्ट है और रियर एसी वेंट्स आपको मिलेंगे देखिए इस तरह से और चार्जिंग सॉकेट भी है और मोबाइल रखने के लिए दोस्तों जगह भी है जो पहले वाले आई ट्वेंटी में नहीं थी तो यहाँ से देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह किस तरह से दिखता है तो भाई बहुत ही अच्छा दिखता है एक फ्रेश लुक लाता है गाड़ी को आई ट्वेंटी है भाई पहले का आई ट्वेंटी देखे तो आपको ये टोटली डिफरेंट लगेगी तो इंटीरियर आपको कैसा लगता है गाड़ी का आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं और भाई सनरूफ वगैरह देखिएगा तो ये मैं ऐसे आपको मैन्युअली खोल के दिखाऊंगा भाई तो कैसा लुक आता है जस्ट इमेजिन कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा भाई ये सेगमेंट की गाड़ी में सनरूफ मतलब भाई मजा है और नी रूम वगैरह देखिए कितना है तो है मैं कहूंगा और यहाँ पर इस तरह सबको स्पेस मिलेगी देखिए तो ये पॉकेट्स होता है आगे वाले जो सीट्स होते हैं उनके पीछे और यहाँ पर आपको दो हेडरेस्ट एडजस्टिंग मिलेंगे सेंटर में एडजस्ट करने का हेडरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह आपको मिलेगी देखिए तो किस तरह से लगती है आपको ये गाड़ी बोल सकते हैं और इस गाड़ी में आपको जैसे मैंने आपको बोला आपको वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड ये भी मिलता है एयर कंडीशनिंग इको कोटिंग मिलता है पैसेंजर वैनिटी मिरर इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपनर और फ्रंट मैप लैम्प इंटीग्रेटेड वेरिएबल फ्रंट वाइपर तो ये सब फीचर्स आपको इस गाड़ी में ऑब्वियसली मिल जाते हैं तो ये था दोस्तों ट्वेंटी ट्वेंटी न्यू आई ट्वेंटी अष्टा ऑप्शन टर्बो सेवेंस डीसी वेरियंट भाई इसका रिव्यू कर दिया हमने इस ब्लॉक में वॉक ऑन रिव्यू था लेकिन अगली ब्लॉक में भाई इसका हम टेस्ट ड्राइव करेंगे और सेल्स एग्जीक्यूटिव से भी इस गाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो भाई स्टे ट्यून अगला टेस्ट रिव्यू भी इसके बाद जल्दी आएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक भी मार सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अपना चैनल भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून